बचपन में हूँ आप किसान आजू के बारे आप देख रहे हैं जो इस वक्त हो गया है खबरों का। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि खाली शीशियों में आंसू जल भरकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। फर्जी वैक्सीनेशन घोटाले की जांच के लिए अब मुंबई पुलिस ने SIT का भी गठन कर दिया है, जिसकी अगुवाई DCP विशाल ठाकुर करेंगे। इस बीच कांदी वाली फर्जी वैक्सीनेशन मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया कि शहर में 2000 से अधिक लोगों को नकली वैक्सीन लगाई गई है। पुलिस को शक है कि शीशियों में आंसू जल का उपयोग किया गया है। पुलिस को इन नकली टीकाकरण अभियानों को अंजाम देने के लिए मुंबई के एक निजी अस्पताल से 38 शीशियों की खरीद का संदेह है। साथ ही शक है कि एक दवा कंपनी ने कई जगहों पर नकली टीकाकरण अभियान चलाने के लिए खाली शीशियों का दुरुपयोग भी किया है। मुंबई पुलिस को एक डॉक्टर मनीष त्रिपाठी पर भी संदेह है, जो खरीद में मदद करता था। इस बीच डॉक्टर ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन भी किया है। पुलिस का कहना है कि एक गैंग ने खाली शीशियों को एकत्र किया और फिर मुंबई में हीरा नंदानी हेरिटेज हाउसिंग सोसाइटी सहित कई स्थानों पर उपयोग में लाया गया है। पुलिस सूत्रों को संदेह है कि खाली शीशियों में आंसू जल भरा हुआ था। आंसू जल के टीका लगवाने वालों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इस बीच चारकोप में स्थित शिवम हॉस्पिटल के दो स्टाफ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिवराज और नीता पठारिया नाम के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस इस फर्जी वैक्सीनेशन का हर तरह से भंडाफोड़ कर रही है और लगातार जांच में अभी भी जुटी हुई है। तो खास खबर से खास खबरों के लिए बने रहिए।